गाइस हम पहुंच चुके हैं ज़ारा, और इससे पहले भी हमने H&M से शॉपिंग करी। अभी मैडम शॉर्ट लिस्ट कर रही है कि क्या लेगी। इन्हें एक कूड़ा भर लिया है क्रॉसेंट, और यहाँ कुछ टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें भी पड़ी हैं जो मैंने खुद पहली बार ही देखी है। सत श्री अकाल, ब्लॉग नंबर 22 में आप सबका स्वागत है यार। थैंक यू सो मच आप सबको हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। ये मेरा नहीं, आप सबका चैनल है। और आज है संडे और जिम है ऑफ, तो हमने सोचा थोड़ा सा घूम लें, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा आप घूमने का। तो हम जा रहे हैं आज गुड़गांव एम्बियंस मॉल, और फिर हमें जाना है करोल बाग जिम का। थोड़ा सा सामान अभी फिर भी पेंडिंग है, वो भी लेना है, और भी थोड़ी बहुत शॉपिंग है। तो देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, सब आपको दिखाते हैं। और मेरे साथ जा रही है पारुल भी, और ये पता नहीं क्या ढूंढ रही है, इसे लग गई प्यास। अभी निकले हुए घर से सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और लड़की को प्यास लग चुकी है। तो चलो गाइस चलते हैं, सबसे पहले जाएंगे हम एम्बियंस मॉल। दोबारा शॉपिंग कर ली है, ये इसने एक ऑर्डर ले लिया है, और अभी 2 ऑर्डर इसके आए भी थे, तो ये कभी नहीं सुधरने वाली। ये कपड़े ले के मेरा जीना हराम कर देगी। तो इसको देख लो कितना खुश है, इसे शॉपिंग करके इतनी खुशी मिलती है। और अब इसको ज़ारा भी जाना है, तो देखते हैं ज़ारा से क्या परचेज़ करते हैं। हम पहुँच चुके हैं ज़ारा, और इससे पहले भी हमने H&M से शॉपिंग करी। अभी मैडम शॉर्ट लिस्ट कर रही है कि क्या लेगी। इन्हें एक कूड़ा भर लिया है पूरा ज़ारा का एक बैग में, अभी ये शॉर्ट लिस्ट कर रही है। 10-15 हज़ार रुपये का कूड़ा लिया है, हाँ ये कूड़ा ही है। अब इस कूड़े में से अच्छे वाला कूड़ा हम घर ले जाएंगे और वो अलमीरा में रख देंगे। तो देखते हैं हम क्या परचेस करते हैं। इसको कोई काम नहीं है, 365 दिन ये लड़की शॉपिंग कर सकती है। तो लेट्स सी ये क्या परचेस करेगी। अरुल क्या परचेस करेगी? सब कुछ सारा कूड़ा ले रही है गाइस। मॉल गुड़गांव एम्बियंस मॉल, और हमें मिल गई है पारुल की दीदी। तो मैं पहली बार इनसे आज मिला हूँ, और हम लोग खा रहे हैं चीज़ केक, मार्गरेटा पिज़्ज़ा, और पारुल कॉफ़ी पी रही है जो कि हो चुकी है ठंडी। फिर गर्म कॉफ़ी को ठंडी करके पीती है हमेशा की तरह। तो ये खाते हैं और उसके बाद हमें जाना है करोल बाग। चलते हैं करोल बाग और जिम की शॉपिंग को कंप्लीट करते हैं। पल में चीज़ केक और मार्गरेटा पिज़्ज़ा खाया था, अब पारुल को दोबारा घर जाते जाते मन कर गया कि मैं अपने लिए। पारुल क्या ले रही है? क्रॉसेंट। भाई ये झिलमिल वालों को नहीं पता क्या होता है, क्या होता है बताना भाई। ये जो ऊपर पड़ा ये होता है क्रॉसेंट, और यहाँ कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें भी पड़ी हैं जो मैंने खुद पहली बार ही देखी है। ये मैं सारे नाम पहली बार ही सुन रहा हूँ, और अगर आपने भी पहली बार ही सुने हैं तो यार कमेंट करके बता देना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत इंग्लिश चीज़ों के नाम हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुने, जो इस मैडम को ही पता है सर। गाइस शॉपिंग हो गई है, मैंने बहुत सारा सामान ले लिया है, और ये बेचारा मुझसे इतना ज़्यादा इरिटेट हो रखा है इस टाइम पे। कूड़ा खरीद लिया, कूड़ा ले जाएंगे, और ये अलमारी में रख देगी जाएगी कूड़ा को, और फिर ये कूड़ा कभी नहीं पहनेगी। चल अब कभी तो नहीं सामान लेना और घर भी जाना जल्दी। शॉपिंग डन संडे गया बहुत अच्छा। गिरदा पहले पारुल की शॉपिंग से इरिटेट हो, फिर दिखा ये दिल्ली के जाम से इरिटेट हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में कितना इरिटेट होना है पूरे दिन के अंदर, किसी ना किसी रीजन से इरिटेट होते रहो। आप तो बड़े अच्छे हो, जाम से क्या क्या हो रहा है यार। नहीं आप तो बड़े अच्छे हो, मैं तो पूरा दिन आपसे इरिटेट रहती हूँ। मत बोल यार पारुल, पहली भैया का कॉल आ गया है कि आप अभी तक आए नहीं। मैंने उन्हें सुबह बोला था कि हम 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, एक बार टू थ्री अभी तक हम पहुँचे करोल बाग, और भैया पूछ रहे हैं आप कब तक आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो भी जिम की छोटी मोटी एक्सरसाइज आज पूरी लेके कंप्लीट करना है। ये तेरा जिम कब कंप्लीट बने कि नेक्स्ट संडे हम रिलैक्स कर पाएंगे, अभी तक हम हर संडे जिम। भाई इसका जिम ही नहीं पूरा हो रहा है यार, हर संडे उठ के मुंह उठा के चला जाता है। सबसे तगड़ा जिम खुल रहा है, तो इसमें सारे खुल गया, सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो इसलिए हम सबसे अच्छा सामान खरीद रहे हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का सामान दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को यूज करने के लिए, इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए अब चुप रहे। सीरियसली यार गाइस मैं तो बड़ा दुखी हो गई हूँ इसके सामान से, इसका सामान ही नहीं खत्म होता। बस आज लास्ट संडे है जो हमारी शॉपिंग हो रही है, और ऊपर से इतना ट्रैफिक यार, संडे को कब से इतना ट्रैफिक होने लग गया। लेट्स सी कितनी देर में पहुंचते हैं गाइस। पहुंच गए हैं करोल बाग, और ये हमने सामान ले लिया, एक लिया है बार पैड, एक लिया है यूनिवर्सल का हमने ग्रिप्स आती हैं जो हाँ जो कि एप्स करने के लिए आती हैं, और ये ले लिए सारे हैंडल्स, और उसके अलावा हमारी एक लिया है लॉक सेट, और एक लिया है हमने ये क्रॉस केबल के हैंडल्स,
तो भाई खर्चा और चुका है 12,880 रुपये का। और अभी हैं हम गुलाटी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज पे और ये भैया ने हमारे लिए सारा सामान मंगा दिया और फाइनली जिम का सामान पूरा हो चुका है जिम फाइनली हमारे जिम की जो भी एसेसरीज थी सारी पूरी हो चुकी है। हमने लाइट पुल डाउन के सारे हैंडल्स खरीद लिए हैं और एक रोड पे हमारे लॉक की प्रॉब्लम आ रही थी सबको, तो वो एक लॉक सेट ले लिया है। मैंने आपको भी पहले ही बताया था हमने ये क्रॉस केबल की हैंडल ली है और ये हमने एप्स का स्ट्रैप लिया है जो कि हमारे पुलअप बार पे लगेगा। और ये मगन भी मेरे साथ आया हुआ है, पारुल भी मेरे साथ ही आई हुई है। अभी हम सारा सामान जिम में रखने आए हैं और अभी हमने एक अमेजोन से ऑर्डर किया था, आपको दिखाते हैं उस ऑर्डर में क्या है। तो मगन खोल के दिखा इसमें क्या है ऑर्डर में, तो मगन को भी नहीं पता है कि इसमें क्या है, लड़की का पर्स है। तो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, लेट्स सी गाइस, वेट जल्दी कर, 3, 2, 1। बट अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो यार आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दी ही दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या है। कुछ बढ़िया चीज़ नहीं है बट एक सेफ्टी की चीज़ है, तो जिम में हम सेफ्टी के रीज़न से हमने खरीदा है, तो आपको दिखाते हैं उसमें क्या है। लेट्स सी देखते हैं क्या निकलता है, अभी भी टाइम लग रहा है कि ये मगन हमारा बहुत ढीला है। तो इसमें निकले हैं, खोल इसे पूरा तभी तो दिखाएंगे कि क्या चीज़ है इसके अंदर। लो जी, इसमें तो आदमी के पैर हैं। तो इसमें निकले हैं हमारे ये बेड कॉर्नर्स जो कि हमने क्या किस रीज़न से मंगाया कि हम चाहते हैं हमारे जिम में किसी को भी कोई भी इंजरी ना हो। तो ये पुलअप बार के जो कॉर्नर्स हैं इसकी सेफ्टी के लिए हमने ये मंगाए हैं। तो गाइस हम हर एक सामान जिम का अच्छा क्वालिटी का खरीद रहे हैं और आप सबके लिए बढ़िया सब कुछ कर रहे हैं। तो इसको अब सारे सामान को सेट करता हूँ कि हमने जिम में क्या क्या चेंज किया। पहले बूफर यहाँ था वो हमने साइड पे कर दिया, यहाँ पे हमने बारबेल स्टैंड लगा दिया, यहाँ थोड़ा स्पेस ज़्यादा भर रहा था तो हमने बैक एक्सटेंशन वाला बेंच यहाँ लगा दिया, हाइपर एक्सटेंशन वाला। और जिम का जो डंबल का सेटअप था वो ऐसे कर दिया और दोनों बेंचेस ये रहे। यहाँ पे हमारी लेग प्रेस की मशीन फाइनल हो चुकी है और जिम पूरा ऐसे देखिए स्पेशियस लग रहा है, खाली खाली। और मैं आपको दिखाता हूँ ये हमने सेफ्टी पर्पस से जो बेड कॉर्नर्स लिए थे वो चार यहाँ लगा दिए। और ये एप स्ट्रैप भी हमने टांग दिया और ये हमने जो लैट पुल डाउन की ग्रिप्स ली थी वो भी टांग दी है। सारा सामान जिम में ऑलमोस्ट अब 99% कम्प्लीट है, जो भी अगर एक आधा सामान रह गया तो वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि हम जिम अपना ईस्ट दिल्ली का सबसे बढ़िया बना रहे हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ ला रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिम को सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट चाहिए। तो थैंक यू सो मच आप जितना भी अभी तक हमें सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए। बाकी ये मगन कुछ कहना चाहता है, तो मगन ने कहा ये डायलॉग बाजी कर दी। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, घर चलते हैं एडिट करते हैं और इसे करते हैं अपलोड। थैंक यू सो मच आप सबको अगेन एंड अगेन हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सत श्री अकाल।